हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने समर के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जीनिया के ऊपर बनाया है। जीनिया समर्स का एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत गमलों में भर भर के जो है वो ब्लूम करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसकी केयर के ऊपर बात करूँगी, इसमें आपको इसको कहाँ प्लेस करना है, इसका प्रोपोगेशन कैसे करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और किस प्रकार से समर्स में जीनिया से आप अधिक से अधिक फूल प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स पे इस वीडियो में आपसे बात करूँगी। पर इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन करें प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीनिया के ऊपर अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बगीचे में दिखने वाले सुंदर जीनिया के पौधे एक बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट है और ये कई रंगों में और वैरायटीज़ में आता है। इसकी देसी वैरायटी भी आती है, इसकी टॉल वैरायटी भी आती है और इसकी जो है वो डॉफ हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। तो मेरे गार्डन में जो ये जीनिया के पौधे लगे हुए हैं, ये सभी हाइब्रिड डॉफ वैरायटी के फ्लावर्स हैं, जिनमें कि पेटल्स देखिए कितनी अच्छी, और ये सब में पेटल्स जो हैं ये कितनी घनी और अच्छी पेटल्स हैं, और ये इनके जो फ्लावर्स हैं ये भी देखने में बहुत बड़े बड़े और सुंदर हैं। ये देखिए, इसमें साइड में वाइट है और ये पिंक है। फ्रेंड्स, जीनिया का जो नेटिव लैंड है वो साउथ अमेरिका है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फ्लावर्स के वर्ल्ड में जीनिया पहला ऐसा फ्लावर है जो कि स्पेस में भी ब्लूम कर चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इसका जो है वो साइंटिस्ट ने इसको ग्रो किया था और 80 डेज़ के बाद जो है इसमें फ्लावर्स आए थे, तो ये स्पेस में फ्लावरिंग कर चुका है। जीनिया को ग्रो करने के लिए दो मेथड हैं, एक कटिंग का और एक सीड्स का, पर मैं जीनिया को ग्रो करने के लिए सीड्स का मेथड जो है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। जीनिया जो फ्लावर है वो सीड से ग्रो करने के लिए, देखिए एक तो मार्केट में इसके सीड्स आते हैं, पैकेट आते हैं, उनसे आप ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा जो है अगर आपको स्टैम्प से करना है तो ऊपर से जो फ्लावरिंग की इतनी है 1.5 इंची तक का, इतना करीब कट कर दीजिए और उसमें फ्लावर को भी कट करके और फिर उसको लगा दीजिए, तो वो कटिंग से भी आपका हो जाता है। तो जीनिया का फ्लावर जो है उसको जब अगर आप सीड से ग्रो करें तो ये फ्लावर जो है वो एक सन लविंग प्लांट है और ये धूप को पसंद करता है, तो आपको जो इसको गमले में या आपको ज़मीन में लगाना है तो इसके जो ऊपरी लेयर है उसको आप थोड़ा सा हटाइए और उसमें सीड्स को बिखरा दीजिए। बिखराने के बाद ऊपर से उसको मिट्टी से ढांक के और उसमें वाटरिंग कर दीजिए, तो ये करीब जो है वो 2 महीने के अंदर इसके सीड्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं और इसके पौधे निकल आते हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसको कितना सन चाहिए, क्योंकि ये गर्मी में ब्लूम करता है तो एक सन लविंग प्लांट है, परंतु जब हमारे यहाँ ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो मैं अपने इंजीनिया के फ्लावर्स को ऐसी जगह पे प्लेस करती हूँ जहाँ मॉर्निंग में 10, 11, 12 बजे तक की धूप इनको मिले और उसके बाद इन प्लांट्स के ऊपर शाम तक रात तक छाया रहे, क्योंकि बहुत अधिक धूप में रखने से इनकी जो आपको डार्क ग्रीन कलर की ये लीव्स दिखाई दे रही हैं और जो ये बर्ड्स ऑफ फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, इनका कलर जो है वो फीका पड़ जाता है और नीचे से
तेज़ धूप में इनकी पत्तियां जो हैं वो जल जाती हैं। धूप से बचाने के लिए इसमें आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीनिया को जहाँ तक कि वाटर देने का हिसाब है, तो हमको इसकी जो सॉइल है उसे बराबर मॉइस्ट रखना है। अर्ली मॉर्निंग इसमें अच्छे से आप वाटरिंग कर दीजिए, और उसके बाद बहुत ज़्यादा भी वाटरिंग करेंगे तो ख़राब होने का डर रहता है। इवनिंग में चाहें तो आप वाटरिंग ना करें, और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फिर से इसमें वाटरिंग कर दें। लेकिन इसकी सॉइल जो है वो मॉस्ट मॉइस्ट और वाटरी, हल्की सी नमी से युक्त होनी चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको जीनिया के बारे में बताना चाहती हूँ, वो है इसके पेस्ट से संबंधित। इसमें जो है एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कि हम पत्ती मरोड़ डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ये पत्तियाँ जो हैं इसकी हरी हरी दिखाई देने वाली, ये मुड़ जाती हैं ऐसे करके। अभी ये इसमें कहीं कोई है नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, वो इस तरीके से गोल घूम जाती हैं और वो नीचे तक होती चली जाती हैं। वो एक तरीके की डिजीज़ होती है। वाइट इसमें वाइट कलर के पेस्ट लग जाते हैं। उसको दूर करने के लिए या तो आप कोई केमिकल से युक्त पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, या फिर सबसे अच्छा है पत्ती मरोड़ डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए आप नीम ऑयल के स्प्रे का छिड़काव जीनिया के ऊपर महीने में एक बार करें, तो इसमें पेस्ट नहीं लगता है। ये फूल इतने रंग बिरंगे होते हैं, आपको ये अभी मेरे गार्डन में इतने सारे रंगों में दिखाई दे रहे हैं कि पॉलिनेटर्स को ये बहुत अधिक अट्रैक्ट करते हैं। बटे पौधे आजकल नर्सरी में फ्रेंड्स बहुत मिल रहे हैं, और आप उन्हें ला सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब जो जीनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका फर्टिलाइज़र, मैं उसके ऊपर बात करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए आप, क्योंकि गर्मी का पौधा है और गर्मी में अगर हम अपने पौधों में रासायनिक खादें ज़्यादा डालते हैं तो उनकी जड़ों को में जलने का डर रहता है, या फंगस आदि आ जाती है। तो आप इसके जो हैं वो पैकेट में मिलते हैं मिक्सचर वाले, उसके अंदर आपका नीम खली होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, थोड़ी सी बोन मील भी होती है। ये सब चीज़ों का मिक्सचर की जो हैं वो पैकेट मिल जाते हैं। वो ला करके 15 दिन में एक बार छोटा वाला चम्मच इसके गमले के चारों तरफ किनारे पे, इस जगह से मैंने बताया जगह बना के, और फिर आप उनको उसमें जो है वो उस खाद को डाल दीजिए, और उसके बाद 15 दिन में एक बार इसमें पानी दे दीजिए। वो खाद भी फ़ायदा करेगी। या फिर गर्मियों में सबसे अच्छी खाद है जब ये बड्स देने लगें, जब ये बड्स पे आ जाएं, तो जो होममेड आपका किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र है, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र इन जीनिया के पौधों में डालिए। इसकी पत्तियां बहुत अधिक डार्क ग्रीन हो जाएंगी, और ये जो बड्स जैसे दिखाई दे रही हैं, इसमें तो फ्लावर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो बड्स दिखाई दे रही हैं वो सब ब्लूम करने लगेंगी, और पौधा भी आपका अच्छा दिखने लगेगा। अब लास्ट का जो पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने पौधे को बुशी कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैं आपको एक पौधे के थ्रू बताना चाहती हूँ। ये वाला जो मेरा पिंक कलर का ये पौधा दिखाई दे रहा है, ये फ्रेंड्स इसमें एक दो फ्लावर्स केवल रह गए थे, और बाकी जो थे वो नीचे से इसकी पत्तियाँ जो हैं ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा इसको कैसे ठीक किया जाए, या तो मैं इसे हटा दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके जो फ्लावर्स ख़राब हो गए थे उनको जो है वो, जिसको डेड हेडिंग बोलते हैं, वो सब सूखे फ्लावर्स मैंने काट दिए, नीचे से सूखी और पीली पत्तियाँ भी हटा दी, और इसको कैल्शियम और पोटेशियम युक्त मैंने खाद दी डेड हेडिंग करने के बाद। तो देखिए इसमें से ये बड्स भी, कितनी कितनी सारी बड्स ये देखिए निकल रही हैं। इसकी ब्रांचेस बड़ी हो गई, लंबी हो गई, और इसमें एक के बजाय इसमें कम से कम एक पौधे में 10 या 12 फ्लावर्स आए हैं।
तो इस तरीके से आप सूखे फ्लावर्स को कट करना, उनकी सूखी पत्तियों को हटाना, उसमें गुड़ाई करना और गुड़ाई करके पोटाश युक्त आपका जो किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र होता है उसमें भी जो है वो पोटाश होता है या पोटाश रेडीमेड भी मिलता है, वो लाके एक एक टीस्पून इसमें गुड़ाई करके डाल दीजिए, पानी दीजिए। तो देखिए, ये जिसको डेड हेडिंग बोलते हैं, इसको करने से आपका पौधा बहुत ही घना हो जाएगा, थोड़े दिन में उसमें बड्स आएंगी, ग्रीन लीव्स हो जाएंगी और फूल इसी प्रकार से निकलेंगे। तो अगर मेरे ये पॉइंट्स आपको ज़ीनिया के प्लांट के ऊपर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कहाँ तक अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।